राम राम भाइयों, क्या हाल है सबके। तो भाई आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर। ये हमारा गेस्ट अपीरियंस, गेस्ट नहीं है, गाइड है हमारा, टूरिस्ट गाइड। भाई मेरे छठे ऐप पर ही नमक का मार दिया है। तो भाई आप पीछे का व्यू देख सकते हो, बिल्कुल ही जन्नत है। ये देखो भाई ने स्पेशल गाड़ी रोकी है क्योंकि मैं तो सो गया था गाड़ी में। न बोला साले अपने कैसेट बना ले। ये देखो हमारे गाइज, ये चश्मे चश्मे लगा तैयार हो गए पट्ठे। ये देखो फोटो बना दिए, यही लैंग्वेज है, वीडियो ने कैसेट बना दिए, ब्याह की रील समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ से सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर दूर है हम तुंगनाथ बाबा जी के मंदिर से। और ये बताया जाता है कि ये जो शिवा का टेम्पल है ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। और नेचर है हमारे पीछे, देख सकते हो, ज़बरदस्त है। तो भाइयों हम आ गए हैं तुंगनाथ मंदिर, और अभी पार्किंग के लिए थोड़ा लफड़ा हो रखा है क्योंकि दुनिया भर की पब्लिक आ रखी है इधर। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना तगड़ा नज़ारा है, बिल्कुल बादलों के ऊपर है हम। ये फोटो शूट चल रहा है, ये हमारा पार्किंग का कुछ इशू चल रहा है। अभी तुंगनाथ मंदिर जाएंगे अंदर और दिखाता हूँ कि कैसा क्या माहौल है अंदर की साइड। भाई हमने थोड़ी जैकेट वैकेट डाल ली है क्योंकि थोड़ी ठंड लग रही थी, गला बैठा पड़ा है। भाटी को देख लो, जोश मारा पूरा, मजे मन तो लग रही, मन तो पैर नहीं लग रही। तो हम आ गए हैं तुंगनाथ मंदिर के एंट्री गेट पे। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं चढ़ाई, और यहाँ पे वही एज़ यूजुअल सामान बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। एक एक पराठा 70-70 से 80 रुपये का मिल रहा है, मैगी भी 60-70 रुपये से कम नहीं है, और थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, बाकी सब सही है। सामान वगैरह ओबियसली महंगा मिलेगा, होटल वगैरह भी तो यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे मिलने वाले हैं। मैं जो है हूँ तो जन्नत में, लेकिन यहाँ से मैं जन्नत में ना पहुँच जाऊँ सीधा, कभी सीधा महादेव मुझे बुला ले दर्शन के लिए। तो भाइयों आखिरी का जो 1 किलोमीटर है ना, सच में फिल्टर शॉट हो गए। ये देखो